नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TLT टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा सागर की संपूर्ण यात्रा के बारे में कि आप गंगा सागर कैसे जाएं और कब जाएं तथा कहां रुके और कहां घूमें तथा कुल खर्चों के बारे में। ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल की सागर से मिलती है। और गंगा का जहां सागर से मिलन होता है उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं और इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। और यहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है, क्योंकि सब तीर्थ बार बार मगर गंगा सागर सिर्फ एक बार। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान राम के पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन यहाँ आना हर किसी के किस्मत में नहीं होता और जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसे भाग्यशाली माना जाता है और जीवन में एक बार गंगा सागर तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए, जो पूरी तरह कुंभ जैसा ही लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप गंगा सागर कैसे जाएं। तो दोस्तों गंगा सागर आप बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय बस से जा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि आप गंगा सागर प्लेन से कैसे पहुँचे। तो दोस्तों देश के कई छोटे बड़े शहरों से आपको प्लेन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी और आपको कोलकाता नियर बाय एयरपोर्ट पर उतरना होगा, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, जहां से आप गंगा सागर स्टीमर द्वारा पहुंच सकते हैं, जहां कोलकाता से सागर द्वीप की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है। और यदि आप ट्रेन से गंगा सागर आ रहे हैं तो देश के कई छोटे बड़े राज्यों से ट्रेनें चलती हैं और ट्रेन से आने वालों को हावड़ा या सियालदह स्टेशन उतरना पड़ेगा। और अगर कोई ट्रेन से आगे का सफर जारी रखना चाहता है तो उसे सियालदह साउथ सेक्शन से काकद्वीप तथा नामखाना स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां से आप चेमागुड़ी आकर स्टीमर से गंगा सागर पहुंच सकते हैं। और हाँ, यदि आप बस से जा रहे हैं तो वहां सड़क मार्ग गंगा सागर से सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन आप नामखाना स्टेशन से चेमागुड़ी आकर स्टीमर द्वारा गंगा सागर पहुंच सकते हैं। तभी तो कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार, और तभी तो ये तीर्थ प्रसिद्ध है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप गंगा सागर कब जाएं। दोस्तों यहाँ आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जाएं, क्योंकि कुंभ मेले के बाद यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, जो मकर संक्रांति से शुरू होकर 5 दिन तक चलता है, जिसमें स्नान दान प्रथम 3 दिन किए जाते हैं, जो सभी तीर्थों में कई बार यात्रा का जो पुण्य होता है वह मात्र एक बार गंगा सागर में स्नान और दान करने से प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप वहाँ कहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको रात बितानी है तो आपको आइलैंड के दक्षिण हिस्से की ओर जाना पड़ेगा, जहाँ अधिकतर होटल व लॉज बने हुए हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में होटल, बस, ट्रेन और प्लेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप गंगा सागर कहाँ घूमे। तो दोस्तों गंगा सागर द्वीप में एक लाइट हाउस है जो पर्यटकों के लिए हमेशा खुला रहता है। इतना ही नहीं, अगर आप फोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो यह आपके लिए बेस्ट जगह होगी। यहाँ आपको प्रकाश स्तंभ के आसपास बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ आपको भारत सेवा आश्रम देखने को मिलेगा, जो गंगा सागर में एक ट्रस्ट द्वारा संचालित एक छोटा सा आश्रम है, जो मेहमानों को रहने की जगह प्रदान करता है। और अगर आप गंगा सागर जा रहे हैं तो जगह घूमना ना भूलें, जो बेहद ही खास जगह है घूमने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुल खर्चों के बारे में। तो दोस्तों ये सभी खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।